वो करीना कपूर खान इस वक्त कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही हैं। बता दें आपको, बीते कुछ दिनों पहले करीना कपूर ने एक डिनर पार्टी ज्वाइन की थी अपनी गर्ल गैंग के साथ। फिल्म मेकर करण जौहर ने अपने घर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। इस पार्टी का हिस्सा करीना कपूर, करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा, सोहेल खान की पत्नी सीमा खान और संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर भी बनी थी। वहीं करीना के साथ साथ इस महामारी की चपेट में आ चुकी हैं अमृता अरोड़ा, महीप कपूर और सीमा खान। ऐसे में देखा जाए तो करीना कपूर ने COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। वहीं करीना के साथ साथ उनके दोनों बेटे तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान भी क्वारंटीन कर दिए गए हैं। बता दें आपको, करीना कपूर इस वक्त ट्रोलिंग का सामना करती हुई भी देखी जा रही है। लेकिन इसी दौरान देखने को मिल रहा है कि करीना कपूर को लेकर एक और खबर आ चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करीना कपूर ने हमेशा ही ट्रोलिंग का सामना किया है अपने दोनों बेटों के नाम के चलते। तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान के नाम के चलते कई बार ट्रोलिंग का सामना कर चुकी हैं करीना। लेकिन इसी दौरान देखा जाए तो पॉपुलर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को लेकर एक बड़ी खबर आ चुकी है। कैटरीना कैफ अब शादी के बंधन में बन चुकी हैं एक्टर विकी कौशल के साथ। 9 दिसंबर के दिन राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित सिक्स सेंसेस फोर्ट होटल में कैटरीना और विकी ने बेहद शाही अंदाज में शादी रचाई। देश भर की तमाम मशहूर हस्तियां इस न्यूली मैरिड कपल को बधाई संदेश भेज रही हैं। वहीं रिसेंटली बीजेपी के एक नेता ने कैटरीना कैफ की तस्वीर को शेयर करते हुए अपने दिल की बात कही है और यहां पर स्वागत करते हुए नजर आए हैं कैटरीना कैफ का। बता दें आपको, हरियाणा बीजेपी के आईटी इंचार्ज अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर कैटरीना की शादी के बाद की एक तस्वीर को शेयर किया है। इस तस्वीर में कैटरीना मांग में सिंदूर लगाए हुए नजर आ रही हैं और हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए वह लिखते हैं, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, सौम्य मुस्कान, इसका मजाक उड़ाने की जगह इतिहास भुलाकर स्वागत कीजिए, क्योंकि ये किसी तैमूर या औरंगजेब की मां नहीं बनेंगी। जैसे ही इतना लिखकर उन्होंने इस तस्वीर को पोस्ट किया, इस पोस्ट पर लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। वहीं कैटरीना कैफ की इस तस्वीर को देखने के बाद सभी अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं। इस तरह से यहां पर एक बार फिर से तैमूर को लेकर निशाना साध भी। इस तरह से देखा जाए तो करीना का नाम लिए बिना ही यहां पर करीना पर निशाना साध दिया गया है। फिलहाल देखा जाए तो विकी कौशल और कैटरीना कैफ अपने नए आशियाने में शिफ्ट हो चुके हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।